इंक्रीमेंटिंग डिजिट काउंट ऑपरेशन। सपोज अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग अवेलेबल है, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर किसी भी टाइप के कैरेक्टर्स पॉसिबल है, लेकिन इसमें से आउट ऑफ देम आपको फाइंड आउट क्या करना, काउंट करना ओनली डिजिट्स। डिजिट्स के रिस्पेक्ट में आते हैं, पॉसिबल डिजिट्स क्या होंगे फ्रॉम 0, 1, 2, 3 अप टू 9। लेकिन जब भी अगर कोई डिजिट अगर स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है, देन स्ट्रिंग के अंदर डिजिट कंसीडर हुआ जाएगा कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करा इन द फॉर्म ऑफ देयर आस्की वैल्यू। देन जीरो के आस्की वैल्यू की बात करें तो जीरो का आस्की वैल्यू क्या है, 48, देन 49, 50, 51 एंड अप टू 57। क्लियर। सारे के सारे ऑपरेशन टेस्ट करेंगे और कंडीशन अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू डिजिट्स। हालांकि आपको इस केस में, आपको पर्टिकुलर केस में किसी भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्टली कंडीशंस में कैरेक्टर्स और डिजिट से अप्लाई करना पॉसिबल है। मीन्स इस केस में अगेन आपको रिटर्न क्या कराना है, डिजिट काउंट। जब भी आप काउंट ऑपरेशन रिटर्न कराओ, रिटर्न टाइप यूज करोगे एज अ इंटीजर टाइप्स, तो इस केस में यूज किया जाए इंट। तो इंट के जस्ट बाद फंक्शन नेम यूज किया जाए डिजिट काउंट, डिजिट काउंट ऑपरेशन स्मॉल सी है। देन आर्गुमेंट में सप्लाई क्या करेंगे, गिवन रिक्वायर्ड स्ट्रिंग। अब आर्गुमेंट टाइप क्या ले सकते हो, आइदर एरे टाइप और पॉइंटर टाइप। इसके इसमें यूज करो एज एस एरे, लेकिन ये डिक्लेरेशन कन्वर्ट किस फॉर्म हो जाए, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। देन अगर आपको स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के लिए कोई भी ऑपरेशन प्रोवाइड करना था, ये ऑपरेशन अप्लाई किसके लिए करो, एस ऑफ आई के लिए, इनसाइड लूप। क्लियर। क्योंकि कैरेक्टर एरे के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू होने जाएगा, यूजिंग एस ऑफ आई। इसलिए ऑपरेशन भी किसके लिए अप्लाई करें, एस ऑफ आई के लिए। एस ऑफ आई रिप्रेजेंट क्या करें, ईच कैरेक्टर्स अवेलेबल इन साइड स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वन बाई वन। देन लूप को मैनेज करने के लिए जस्ट वेरिएबल यूज करेंगे एज अ इटरेटिव वेरिएबल आई, इंटीजर टाइप। क्योंकि आई में ऑलवेज मैनेज क्या करो, इंडेक्स। नेक्स्ट वन, काउंट करने के लिए सेपरेट वेरिएबल यूज करें एज अ काउंट सी। नेक्स्ट वन फोर लूप, फोर लूप के रिस्पेक्ट में अगेन इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम जीरो इंडेक्स। इसलिए आई का वैल्यू इनिशियलाइज करें जीरो, प्लस इनिशियली काउंट ऑपरेशन का वैल्यू क्या रखेंगे, सी इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट वन कंडीशन है, स्ट्रिंग के अंदर ऑपरेशन कब तक परफॉर्म कराओ, जब तक आपको नल नहीं मिल जाता। तो उसके इसमें कंडीशन क्या अप्लाई करोगे, वाइल एस ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल, और सिंपली केवल एस ऑफ आई भी सफिशियंट है, क्योंकि एस ऑफ आई की केस में जैसे ही नल आएगा, नल मीन्स जीरो। देन जीरो के रिस्पेक्ट में कंडीशन अल्टीमेटली कैसा होगा, फॉल्स। देन इंडेक्सेस में डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा, वंस इसलिए यूज करेंगे आई प्लस प्लस, देन इनसाइड दैट। इस अगर आप इस लूप के अंदर काउंट ऑपरेशन डायरेक्टली सी प्लस प्लस करते हो, एवरी टाइम काउंट में इंक्रीमेंट करे लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा, देन काउंट में इंक्रीमेंट कितनी बार हो, 10 टाइम्स। ठीक है, इसके इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसके इसमें जस्ट इससे केवल डिजिट्स काउंट हो रहे हैं, सारे के सारे कैरेक्टर काउंट होंगे, सारे के सारे कैरेक्टर काउंट होंगे। ऑपरेशन कन्वर्ट किसमें हो जाए, इन द फॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन आपको लेंथ काउंट ना करके ओनली काउंट क्या करना, ओनली डिजिट्स। तो डिजिट्स को काउंट करने के लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा एस ऑफ आई के अंदर डिजिट है कि नहीं। तो एस ऑफ आई के अंदर डिजिट है कि नहीं, तो इसके इसमें कंडीशन क्या हो जाए, इफ एस ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ जीरो। अगर एस ऑफ आई का आस्की वैल्यू, एस ऑफ आई मीन्स करेंट कैरेक्टर, अगर इसका आस्की वैल्यू जीरो से बड़ा है, एंड एस ऑफ आई का वैल्यू मीन जीरो से बड़ा, इसका मतलब क्या है, जीरो से बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी कैरेक्टर पॉसिबल है, लेकिन इसका लिमिट क्या रहेगा, दिस इज द मिनिमम रेंज। नेक्स्ट मैक्सिमम रेंज क्या रहेगा, इसके लिए शुड बी लेस देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ 9। मीन्स इस कंडीशन के थ्रू अप्लाई करेंगे, इफ कंडीशन, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ देन ओनली आपको काउंटर में इंक्रीमेंट कराना। तो कंडीशन क्या है, एस ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ जीरो, सिमिलरली एंड एस ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ 9। इसे कंडीशन सफिशियंट है, अगर आपको आस्की वैल्यू याद है देन डायरेक्टली जीरो के प्लेस पर आप राइट कर सकते हो 48 इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर नंबर। सेम है 9 के प्लेस पर यूज कर सकते हो एज 57, दोनों की मीनिंग सेम है। अगर आपको आस्की वैल्यू याद नहीं है देन आप सिंपली इस टाइप से रेंज प्रोवाइड करोगे। अगर एक कंडीशन ट्रू है देन परफॉर्म क्या कराएंगे, इंक्रीमेंट इन काउंटर वेरिएबल सी। क्लियर। जैसे ही ये कंट्रोल लूप से बाहर आएगा, लूप से बाहर कब आएगा, जब स्ट्रिंग कंप्लीटली ट्रेस हो जाएगा, उसके बाद इस फंक्शन से आप रिटर्न क्या कराओगे, सिंपली रिटर्न काउंटर वैल्यू सी। क्योंकि रिजल्ट किस वेरिएबल में असाइन किया था, सी के अंदर, तो रिटर्न क्या कराओगे इससे, सिंपली सी।
देन क्लोज दिस। टेस्ट करने के लिए जस्ट मैं मेन फंक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं एवरी टाइम मेन के अंदर क्या यूज करता हूँ, सम स्टैटिक स्ट्रिंग इसे डायरेक्टली सेंड करता हूँ। आप स्ट्रिंग को कीबोर्ड से रीड करा सकते हैं यूजिंग स्कैन एफ फंक्शन। इस केस में कीबोर्ड से रीड कराना लाइक मैंने मैक्सिमम साइज क्रिएट किया स्ट्रिंग का एज एस 10 or 20 एनी थिंग्स। देन इस केस में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर रीड होंगे, ओनली अप टू 10। नेक्स्ट वन प्रिंट एफ एंटर स्ट्रिंग, एंटर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रीड करने के लिए आपके पास टोटल टू प्रीडिफाइंड फंक्शन है, स्ट्रिंग स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू भी रीड करना पॉसिबल और सिमिलरली गेट्स फंक्शन के थ्रू रीड करना पॉसिबल है। स्कैनएफ फंक्शन से किसी भी टाइप का वैल्यू रीड कर सकते हो, जबकि गेट्स फंक्शन के थ्रू ओनली स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रीड करना पॉसिबल है। तो इसके इसमें डेटा किसके लिए रीड होगा, एस के लिए, क्लियर। इसमें मैंने गेट्स फंक्शन डिस्कस किया था ड्यूरिंग कंसोल ऑपरेशंस। नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद कॉल क्या कराना है, काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन का या तो आप रिजल्ट किसी वेरिएबल में असाइन कराओगे या फिर डायरेक्टली काउंट करने के लिए प्रिंट एफ में पास कर सकते हैं। देन डिजिट्स और डिजिट काउंट, डिजिट्स आर मीन्स काउंट किस फॉर्म में आएगा, पर्सन मीन्स इंटीजर्स के फॉर्म में, कॉल कर लेंगे इसके इसमें डिजिट काउंट फंक्शन। और डिजिट काउंट फंक्शन में वो स्ट्रिंग पास करो, जैसे स्ट्रिंग के अंदर आपको डिजिट्स को काउंट कराना, तो स्ट्रिंग क्या है इसके इसमें एस, इसलिए सप्लाई क्या करेंगे एस। क्लोज दिस। नेक्स्ट वन जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, एग्जीक्यूशन किस प्लेस होगा, फ्रॉम मेन फंक्शन। मेन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले क्रिएट किया जाएगा कैरेक्टर एरे एस, और एस के अंदर टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस और बाइट्स कितने एलोकेट होंगे, 10 बाइट्स, क्योंकि मैक्सिमम साइज क्या प्रोवाइड किया 10। आप साइज कुछ भी ले सकते हो, 100,000 एनीथिंग। जस्ट डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने स्मॉल साइज यूज किया है 10। एड्रेस समथिंग 100, 101, 102 एंड सो ऑन, क्लियर। इस लोकेशन का नेम क्या है, एरे का नेम क्या है एस, एड्रेस क्या हुआ 100, इंडेक्स क्या इसका 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू 9। नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद डिस्प्ले किया जाएगा एंटर स्ट्रिंग। देन गेट्स के थ्रू अगर आप स्ट्रिंग एंटर करें लाइक दैट, मैंने स्ट्रिंग एंटर किया जा ए 1, 2, 3 देन सम स्मॉल जेड, दीज आर इनपुट्स। अगर इसे इनपुट को एंटर करो तो फर्स्ट प्लेस पर आसान क्या हो जाएगा, आस की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए देन 1, 2, 3 देन स्मॉल जेड, रिमेनिंग प्लेसेस पर क्या आसान हो जाएगा नल, क्लियर। इन प्लेसेस पर गार्बेज रहेगा, नल वैल्यू। नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद कॉल क्या हो रहा है, डिजिट काउंट, डिजिट काउंट में एस पास करो, एस के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, जैसे स्ट्रिंग का बेस एड्रेस मीन फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस, उसके बाद कॉल क्या हुआ डिजिट काउंट। डिजिट काउंट के अंदर टोटल 3 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, पॉइंटर वेरिएबल एस आई एंड सी, पॉइंटर वेरिएबल एस। एस में कैसा हो रहा है, सप्लाइड एड्रेस मीन 100। अदर वेरिएबल्स क्या है आई एंड सी, तो टोटल कितने वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, ओवरऑल 3 वेरिएबल्स। नेक्स्ट वन जैसे इस लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, वन मोर थिंग से एस इस लोकेशन को पॉइंट करेगा, तो एस के रिस्पेक्ट में अगेन इसके नेम्स क्या हो जाएंगे एस ऑफ 0, इसे नेम किसके रिस्पेक्ट में क्रिएट करा रहा हूँ पॉइंटर के रिस्पेक्ट में, इस लोकेशन का नेम क्या हुआ एस ऑफ 1, एस ऑफ 2 एंड सो ऑन। देन आई का इनिशियलाइजेशन किस हो रहा है 0 से, सी का भी इनिशियलाइजेशन किस हो रहा है 0 से, कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन में रिप्लेस करेंगे एस ऑफ आई, आई का वैल्यू 0 तो एस ऑफ 0 का वैल्यू, और एस ऑफ 0 में क्या है कैरेक्टर ए, ए नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू देन बॉडी एग्जीक्यूट कराओ, बॉडी के अंदर एस ऑफ आई के प्लेस पर मीन्स रिप्लेस क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ एस ऑफ आई, और एस ऑफ आई मीन्स एस ऑफ 0, क्योंकि आई का वैल्यू क्या 0, एस ऑफ 0 में क्या ए, देन ए का आस्की वैल्यू 0 से बड़ा है कि नहीं, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, फर्स्ट कंडीशन ट्रू, क्योंकि स्मॉल ए का आस्की वैल्यू क्या 97 और 0 का आस्की वैल्यू क्या 48, कंडीशन ट्रू है। देन सेकेंड कंडीशन टेस्ट होगा एंड के केस में, देन अगेन ए, ए मीन्स 97 और 9 मीन्स 57, मीन्स कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, सेकेंड कंडीशन फॉल्स है, सेकेंड कंडीशन फॉल्स है, देन इसके इसमें काउंटर में कोई इंक्रीमेंट हुआ क्या, नहीं, काउंटर अभी भी क्या है ऑल्सो 0। इसके जस्ट बाद परफॉर्म क्या होगा आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट टाइम 1, अगेन कंडीशन टेस्टिंग, आई का वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट टाइम कंडीशन किसके लिए अप्लाई होगा एस ऑफ 1 के लिए, इसमें स्टोर क्या है 1, 1 मीन्स आस्की वैल्यू क्या 1 का जस्ट 49 ग्रेटर नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। देन इस प्लेस पर अगेन एग्जीक्यूट कराओगे, इस प्लेस पर आसान क्या हो रहा है आस्की वैल्यू ऑफ 1, 1 का आस्की वैल्यू 0 से बड़ा है और 9 से छोटा है, मीन्स कंडीशन ट्रू। देन काउंटर में इंक्रीमेंट हुआ तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सिमिलरली
आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या होगा टू, तो एस ऑफ टू में क्या नेक्स्ट टाइम टू, तो फिर से कंडीशन सेटिस्फाई होगा दोनों कंडीशन ट्रू, फिर से काउंटर में इंक्रीमेंट होगा, काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी काउंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा थ्री, देन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री और काउंटर का वैल्यू क्या जस्ट टू। नेक्स्ट वन अगेन एस ऑफ थ्री के लिए आप कंडीशन टेस्ट करो और एस ऑफ थ्री में अवेलेबल क्या जस्ट कैरेक्टर थ्री, थ्री के रिस्पेक्ट में अगेन वाइल का सॉरी लूप का भी कंडीशन ट्रू प्लस है, इफ कंडीशन भी ट्रू है, क्योंकि इस केस में जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है थ्री, थ्री जीरो और नाइन की रेंज में लाइक कर रहा है, देन इस केस में अगेन सी प्लस प्लस होगा तो सी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग सी का वैल्यू क्या जाए थ्री, नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या जाए फोर और एस ऑफ फोर में क्या जेड, जेड के लिए फोर का कंडीशन तो ट्रू है लेकिन इफ कंडीशन फॉल्स है, देन काउंटर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ आई प्लस प्लस तो आई की वैल्यू क्या होगी इस केस में सॉरी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइव और एस ऑफ फाइव में क्या फाउंड हो रहा है जस्ट नल, नल नॉट इक्वल्स टू नल कंडीशन बिकम फॉल्स, फॉल्स है, देन कंट्रोल का आएगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप सी का करंटली वैल्यू कैसे हो रहा है थ्री, कॉलिंग प्लेस पर सेंड क्या हो जाएगा थ्री, तो प्रिंट एफ फंक्शन से जस्ट आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज डिजिट कॉलन थ्री, क्लियर, कैसे स्ट्रिंग के अंदर टोटल थ्री डिजिट्स फाउंड हो रहे थे इसलिए डिस्प्ले भी क्या हुआ ऑल्सो थ्री, स्टार्ट से डिजिट्स काउंट कराना पॉसिबल, सिमिलरली आपके लिए अल्फाबेट्स या स्पेशल सिंबल्स या वर्ड्स काउंट करना पॉसिबल, नेक्स्ट केस में जस्ट काउंट कराऊंगा अल्फाबेट्स।